आजकल की खराब जीवन शैली और बेकार के खान पान की वजह से बहुत से लोग डायबिटीज की बीमारी का शिकार हो चुके हैं। डायबिटीज आज की उन खतरनाक बीमारियों में शामिल है जिसके होने के बाद पूरी जिंदगी व्यक्ति को न केवल दवाइयों का सेवन करना पड़ता है बल्कि इसे नियंत्रित करने के लिए एक सही डाइट का भी पालन करना पड़ता है। डायबिटीज का स्थायी इलाज नहीं है, इसे कंट्रोल करने या इससे बचने के लिए हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। डायबिटीज के मरीजों के जहन में अक्सर खाने पीने को लेकर कंफ्यूजन रहता है। उनको समझ नहीं आता कि क्या खाना सही है और क्या नहीं। कोई कुछ खाने को माना करता है और कोई कुछ, और तो और फ्रूट्स खाने में भी कंफ्यूजन है। इसलिए आपको डायबिटीज में कुछ भी खाने से पहले उसके शुगर, कैलोरी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स को चेक करना चाहिए, खासकर कि अगर आप उसे खाली पेट खा रहे हैं तो। डायबिटीज में खाली पेट उन्हीं चीजों को खाना चाहिए जो कि आपके ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोके, साथ ही बढ़े हुए ब्लड शुगर को कम करने में मदद करे। तो चलिए जानते हैं कि डायबिटीज के मरीजों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। जामुन का रस सुबह सबसे पहले पीना डायबिटीज, जैमन जूस फॉर डायबिटीज, कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। दरअसल जामुन इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है और ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। जामुन का रस फाइबर से भी भरपूर होता है जो कि मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और डायबिटीज में पेट को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा आप जामुन को ऐसे भी खा सकते हैं या फिर बाद के खाने में जामुन की चटनी को भी शामिल कर सकते हैं। अंकुरित मेथी शुगर कम करने में हमेशा से ही कारगर माना गया है। अंकुरित मेथी का फाइबर ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद करता है। इसके अलावा ये शुगर स्पाइक को रोकता है और डायबिटीज मैनेजमेंट में मदद करता है। इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को सही रखता है और डायबिटीज में कब्ज की समस्या को दूर करता है। आप अंकुरित मेथी को सुबह सलाद में डालकर या फिर नींबू और नमक मिलाकर ऐसे भी खा सकते हैं। दालचीनी की चाय ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद करता है। दालचीनी में पॉलीफेनोलिक्स होते हैं जो कि ब्लड शुगर और इंसुलिन सिग्नलिंग को प्रभावित करता है और ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। ये खास तौर पर फास्टिंग शुगर को कम करने में मददगार है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में भी मददगार है जो कि दिल को हेल्दी रखने में मददगार है। करी पत्ते का अर्क शुगर कंट्रोल करने में मददगार है। ये इंसुलिन को एक्टिवेट कर देता है और इसके प्रोडक्शन को बढ़ा दो कि शुगर पचाने में मदद करता है। इसके अलावा इसका फाइबर मेटाबॉलिज्म को सही करता है और डाइजेशन में मददगार है। इसके लिए सुबह खाली पेट करी पत्ता चबाएं या इसका जूस पिएं। पपीता पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। पपीते में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो कि पेट को सही करता है और मेटाबॉलिक रेट को तेज करता है। जब आपका पाचन क्रिया सही रहता है तो ब्लड शुगर भी संतुलित रहता है। इसलिए शुगर के मरीज अगर कुछ खाली पेट खाना चाहते हैं तो पपीता खाएं। अगर आप भी शुगर से परेशान हैं तो अपने आसपास के एक अच्छे हेल्थ एक्सपर्ट से इसकी जांच करवाएं और अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें।